तुला राशि वालों 21 मार्च बृहस्पतिवार का दिन सुकर्मा योग और श्लेषा नक्षत्र बुध का प्रभावशाली होना। बुध जो आपके भाग्य का स्वामी है, आज आपकी कुंडली में राहु के साथ सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। राहु के साथ जब बुध का गोचर होता है आप बड़े प्रभावशाली हो जाते हैं, स्थिति आपकी जीवन की सुधरने लगती है, धैर्य से जीवन में आप आगे बढ़ते हैं, आपकी जिज्ञासा भी पूरी होती है, व्यापार नौकरी में तरक्की का अवसर भी प्राप्त होता है और घर परिवार में खुशियां भी बढ़ती है। बृहस्पति आज आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। बृहस्पति की दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न भाव पर है। साथ ही साथ आज चंद्रमा की स्थिति आपके लिए काफी लाभकारी है, क्योंकि चंद्रमा आज आपकी कुंडली के कर्म भाव पर बहुत मजबूती से गोचर कर रहा है और कर्म का स्वामी है, जो बृहस्पति के साथ चतुर्दशम योग बना रहा है। आज आपकी कुंडली के पंचम भाव में शुक्र मंगल शनि की युक्ति है और द्वादश में बैठा केतु इच्छा शक्ति को जागृत कर रहा है। दिन आपके लिए तरक्की सुख सौभाग्य की प्राप्ति का है। दिन आपके लिए लाभ और उन्नति का है। तुला राशि के जीवन में परिवर्तन और समृद्धि बढ़ने वाला है। आज एक नई शुरुआत भी आपके जीवन में आरंभ होगा और बेहतर जीवन की कठिनाइयों को पार करके आप आगे बढ़ते जाएंगे, बड़ी सफलता भी हासिल करेंगे, धन संपत्ति भी कमाएंगे, बड़ी उपलब्धि भी पाएंगे, वांछित परिणाम की प्राप्ति भी होगा, सुखों का भोग भी करेंगे और आज आपकी लोकप्रियता भी बहुत बढ़ेगी। तो तुला राशि वालों चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमंते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शोभे, सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 21 मार्च बृहस्पतिवार का दिन फागुन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुकर्मा योग अश्लेषा नक्षत्र बुध के प्रभाव से आप प्रभावित रहेंगे। चंद्रमा उच्च का होकर आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है और बृहस्पति के साथ चंद्रमा का चतुर्दशम योग यानी आपको अपने कर्मों का फल प्राप्त होगा, आपको अपने मेहनत का पुरस्कार मिलेगा। दिन आपके लिए तरक्की सौभाग्य सुख और संपत्ति को बढ़ाने वाला साबित होगा। आज का दिन आपको भाग्यशाली बनाएगा और आपके जीवन में मान प्रतिष्ठा के साथ धन संपत्ति आपकी बढ़ेगी। उत्साहित होकर अपने काम को करेंगे, आपकी योजना सफल हो जाएगी। सकारात्मक परिणाम देने वाला बुध का प्रभाव राहु के साथ आपके लंबित कार्य को पूरा करेगा। बड़ा प्रभावशाली आपका प्रदर्शन होगा, आप सफलता भी पाएंगे, सक्रियता भी जीवन में बढ़ेगा। अगर आप आलस का त्याग करें तो इच्छित मनोकामना आपकी पूरी होगी। आज का दिन आपके लिए बड़ा सुखद अनुभूति लेकर आएगा, तरक्की के अवसर भी प्राप्त होंगे, महत्वपूर्ण कार्य आपके सफल हो जाएंगे, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा होगा, बड़ा प्रभावशाली आप होंगे। आज कुछ ऐसे काम भी आपके जीवन में होंगे जिस काम को लेकर आप बहुत दिनों से परेशान थे। आज का दिन जीवन के अनेक क्षेत्रों में सौभाग्य की प्राप्ति, धन का लाभ और जीवन में विश्वास का बढ़ना, श्रेष्ठ कार्य, भाग्य की प्रबलता से जीवन में हर प्रकार से सुख की प्राप्ति होगी। कोई नया कार्य भी आप आरंभ कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बेहद ही लाभकारी सौभाग्यशाली साबित होगा। आज का दिन आपके कार्य की गति तेज होगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए, जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए आप सक्रियता दिखाएं, अपने कार्य क्षेत्र में अपना समय दें,
अपने कार्य क्षेत्र में प्रोफेशनल वे में काम करें, व्यापार भी अच्छा चलेगा, नौकरी में भी तरक्की का अवसर प्राप्त होगा, सुख संपत्ति भी आपकी जीवन में बढ़ेगी और खुशी भी आपको प्राप्त होगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें, साथ ही साथ बात आप सबकी सुने लेकिन अपने मन की करें, और जो भी करें वो उत्साह से करें, क्योंकि आज आप बड़ा प्रभावशाली भी हैं, आज आप भाग्यशाली भी हैं, आपकी जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटना भी आज घटित होगा। अगर आप अपने जीवन में ज़्यादा सुख संपत्ति और धन पाना चाहते हैं तो दो बातों का ध्यान रखें। पहला, राहु काल 1:59 से 3:31 का समय। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश न करें। आज दक्षिण दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत न करें। अगर आप अपने जीवन में ज़्यादा सुख संपत्ति पाना चाहते हैं, ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं, तो आज पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत करें। भाग्य का दरवाज़ा खुलेगा, चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी, सफलता की गाड़ी तेज गति से चलेगी, ज़्यादा धन भी कमाएंगे, ज़्यादा सुख भी पाएंगे। ये समय आपके लिए बड़ा शानदार है, क्योंकि आज बृहस्पति का चंद्रमा के साथ चतुर्दशम योग बनाना इच्छित परिणाम देता है, कार्य का विस्तार करता है, जीवन में जीत की भावना बढ़ती है और बेहतर प्रदर्शन से उम्मीद से ज़्यादा लाभ और तरक्की आप पाते हैं। यानी उम्मीद से ज़्यादा तरक्की और कार्य का विस्तार, नौकरी व्यापार के मामले में आप भाग्यशाली भी होंगे और स्टूडेंट के जीवन में शुभ प्रस्ताव भी मिलेंगे। स्टूडेंट के लिए आज तेज गति से आगे बढ़ना, बेहतर परिणाम पाना, सफलता कामयाबी सुख जीवन में बढ़ना अनुकूलता को बढ़ाता है। निसंकोच आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होते जाएगी। आज आपका प्रेम संबंध बड़ा प्रभावशाली होगा, क्योंकि शुक्र मंगल के साथ बैठा है, खुशी के अवसर भी मिलेंगे। राहु का प्रभाव भी शुक्र के ऊपर है, अचानक प्यार का सुख भी मिलेगा और आपकी जीवन में सामर्थ्य बल भी आपका बढ़ेगा। यानी आज का दिन हर तरह से आपके लिए लाभ तरक्की सुख सौभाग्य सफलता कामयाबी देने वाला सुंदर समय है। समय बड़ा शुभ है, ये समय आपके प्रयास को सफलता देगा, आपकी स्थिति को मजबूत बनाएगा, जिससे जीवन में लोकप्रियता भी बढ़ेगी और जीवन की सभी बाधा आपकी दूर होगी, परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगा और जीवन में श्रेष्ठ काम का श्रेष्ठ परिणाम आप प्राप्त करेंगे। तो हर तरह से आज का दिन आपके लिए तरक्की लाभ उन्नति सौभाग्य समस्याओं से छुटकारा देने वाला, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला ये समय धन बल से युक्त शानदार समय आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, धनवान भी बनाएगा, महत्वाकांक्षा को पूरा भी करेगा और जीवन में बड़े बदलाव भी करेगा। यानी भाग्य से सुख धन तरक्की आप प्राप्त करेंगे। दिन आपके लिए बेहद ही शुभ है। आज आपकी कुंडली में ये शुभ समय हर प्रकार का सुख देगा और आपको बड़ा ही शक्ति और समृद्धि से एक नई शुरुआत की स्थिति में ले आएगा। आज आपके लिए शुभ मुहूर्त है, सुबह 4:49 से आरंभ होगा, लेकिन अमृतकाल रात्रि का समय ज़्यादा सुख होगा, संपत्ति उन्नति का अवसर प्रदान करेगा। और अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 2:30 का समय आपके लिए सुख सफलता कामयाबी का होगा। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा है, स्थिति अनुकूल है, धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा, स्थिति में सुधार होगी, मन की इच्छा पूरी होगी। आज का दिन आपके लिए हर तरह से लाभ और सौभाग्य को बढ़ाने वाला सुंदर दिन साबित होगा। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन में सुख भी बढ़ेगा, शुभ फल की प्राप्ति भी होगी, जीवन में तरक्की का अवसर भी मिलेगा, बाधा भी आपकी दूर होगी, उत्साह उमंग भी बढ़ेगा और हनुमान जी के आशीर्वाद से
आप भाग्यशाली भी होंगे तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान। आज सुकर्मा योग में बुध का प्रभाव आपके लिए बड़ा शुभ है, जो आपके जीवन में बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी देगा। जीवन खुशियों से परिपूर्ण होगा और आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। सुख समृद्धि आपके जीवन में बढ़ेगा, धन का आगमन आरंभ हो जाएगा।